ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार विचार करना या बार बार हाथ धोने की बीमारी, मंत्र वाली बीमारी, मंत्र जैसा बार बार कोई भी व्यक्ति कुछ करता है, अलग अलग फॉर्म में वो प्रेजेंट करती है। तो एक एग्जांपल एक पेशेंट का मैं आपको दे रहा हूँ कि उसको कैसा फ़ायदा हो गया हिप्नोथेरेपी से। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये बीमारी विचार और बिहेवियर ऐसे दोनों की हो सकती है। विचार में बार 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 वो विचार आता है, वही विचार वही विचार वही विचार आएगा, और दूसरा फिर वो विचार के ऊपर वो कंपल्सरीली कुछ एक्टिविटी करेगा। जैसा बार बार विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, धोना चाहिए, ऐसा बार बार विचार आ रहा है और फिर वो बार बार हाथ भी धोएगा। तभी एक जो पेशेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको बार बार ऐसा विचार आता था कि मैं लोगों से आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, चेहरे पे चेहरे की तरफ बातचीत नहीं कर सकता देख देख के ऐसा, और उसको शेविंग करने के लिए बहुत टाइम लगता था, उसको लेटरिन से आता है तो हाथ धोने के लिए कम आधा एक घंटा लगता था। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया, SSRI जो ग्रुप है दवाइयों का वो, और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी, ऐसे दोनों भी ट्रीटमेंट दिया, उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो आइए मैं आपको वो पेशेंट की कहानी उनके जुबानी बताता हूँ। हाँ बोलिए सर, मेरा नाम मनीष है। पहले मुझे जैसे आई से आई कांटेक्ट करने में, कांच के अंदर अपना चेहरा देखने में तकलीफ होती थी। जब से हिप्नोथेरेपी ली है उसके बाद से मुझको बहुत फर्क पड़ा है, और मैंने अभी फर्स्ट टाइम शेविंग किया आफ्टर हिप्नोथेरेपी, तो मेरे को 35 मिनट में शेविंग हो गई है। पहले क्या होता था? पहले मैं आई से आई नहीं मिला पाता था, मतलब मिरर के अंदर, हाँ, मेरा सर चढ़ जाता था। और शेविंग को कितना टाइम लगता था? मुझे 1.5 घंटा लगता था। अभी? अभी 35 मिनट में हुआ है। अभी हाथ धोने का बार बार हाथ धोने का कुछ टाइम कम हो गया? नहीं, हाथ उसमें थोड़ा ऐसे प्रोसेस में फर्क पड़ा है, लेकिन हाथ धोना भी चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ, कपड़े, हाँ, मगर समय कम लग रहा है। हाँ, पहले से फर्क है। गुड, बहुत ही बढ़िया। पूरी तरह से कंप्लीट बंद हो जाए तो मुझको रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर मैं आगे अपनी जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने देखा कि जो पेशेंट को पहले एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगता था शेविंग को या हाथ धोने को, वो काफ़ी करीब, मतलब कम समय हो गया, और कम समय में वो फटाफट काम करने लगा, बहुत फ़ायदा हो गया। ये करीब करीब 10-15 दिन में फ़ायदा हुआ, और दवाई भी काम कर रही है, हिप्नोथेरेपी भी काम कर रही है, और वो बहुत खुश है। तो ये संभव है। इतना ये कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है, इसलिए लोग चला के लेते हैं। ठीक है, चलता है, देखेंगे, करेंगे, अभी पैसा नहीं है, अभी बच्चे छोटे हैं, बाद में करेंगे इलाज, अभी क्या घर में शादी है, बाद में इलाज करेंगे, मतलब ऐसा आगे ढकलते रहते हैं। बीमारी पूरा नहीं होती और बाद में अच्छी नहीं होती। एकदम जब ताज़ा ताज़ा प्रॉब्लम है, एकदम फ्रेश है, अभी बस 15 दिन में 1 महीने में दिख रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, उसी समय उसका इलाज होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो।